हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बुक है उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मैक्सवेल इक्वेशन। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात करी जाए तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या मैक्सवेल ने कोई इक्वेशन दी थी जिसकी वजह से उसका नाम मैक्सवेल इक्वेशन रखा गया। तो मेरा आंसर होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट मैक्सवेल ने क्या किया था, ये अपने पास चार लॉ है, इनको क्या किया, डीपली एनालाइज किया और बताया कैसे हम इन चारों लॉ को इलेक्ट्रोस्टेटिक और मैग्नोस्टेटिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में देखा था एम्पियर जो मैक्सवेल था उसने मॉडिफिकेशन की थी, किसके अंदर, एम्पियर लॉ के अंदर, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या थी, अगर आप जो अपना नॉर्मल करंट था उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर देते हैं तो ये जो एम्पियर लॉ है ये ऐसा लॉ हो जाता है जो हर जगह क्या हो, वैलिड हो, ठीक है। एम्पियर लॉ में क्या, एम्पियर लॉ था जो अपने पास उसमें क्या कमी थी कि वो करंट की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करता था। और मैक्सवेल ने कहा था अगर मैं उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर देता हूं तो ये लॉ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नोस्टैटिक हर जगह क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये थे भाई अपने पास चार लॉ, ठीक है। गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड था गॉस लाइन मैग्नेटिज्म, थर्ड था फैराडे लॉ और फोर्थ था एम्पियर लॉ, जिसको आप बोल सकते हैं मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन। इन चारों लॉ को मैक्सवेल ने पढ़ा था और पढ़ने के बाद हमें बताया था कि इनको हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नोस्टैटिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तक आप इन चारों लॉ की इंटीग्रल फॉर्म पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, इंटीग्रल फॉर्म। अब अपने को करना क्या है, इन चारों लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म करनी है, ठीक है। क्या करनी है, डिफरेंशियल फॉर्म, और याद कौन सी रखनी है, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है भाई। और इसके अंदर दो डेरिवेशन है मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर, पहला है मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर, और ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये इक्वेशन समझा देता हूँ, ठीक है। जनरली जो इसके अंदर यूज होगा वो एक तो यूज होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक यूज होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ई नोट ई, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बी से डिनोट करते हैं, और फिर यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको आप एच से डिनोट करते हैं, किससे, एच से, और बी की वैल्यू होती है म्यू नोट एच, ठीक है। अगर मैं एच की वैल्यू कहूं तो ये होगी एच इक्वल टू बी बाई म्यू नोट, ठीक है। आप क्या करो, जस्ट इसको सिंपली याद करो कि जो मेरे पास बी होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नोट एच, ठीक है। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ई नोट क्या है मेरे पास, ई नोट है परमिविटी, ई नोट क्या है, परमिविटी, ठीक है। ये सारी चीजें आप प्लस टू में कर चुके हैं। उसके बाद एक यूज होगा म्यू नोट, म्यू नोट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और ये परमिविटी, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अलावा दो चीजों का यूज होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। एक है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो भैया एडजस्ट कर लेना, एक है मेरे पास ग्रेडियंट, एक है मेरे पास, इससे पहले एक ये साइन यूज होगा भाई, डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये साइन यूज होगा, इसको बोलते हैं आप डेल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद तीन चीजें और आती हैं, ग्रेडियंट, कर्ल या ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल, ये है नॉर्मली चीज जिनका इनके
डेरिवेशन के अंदर और यूनिट सेकंड और थर्ड के अंदर यूज होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे डिनोट करते हैं, ई से। उसके बाद मेरे पास आती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है डी, डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी वैल्यू होती है ई नोट ई। ई नोट क्या होता है, एप्साइलन नोट बोलते हैं इसको, एप्साइलन नोट क्या होता है, परमिविटी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप एच से डिनोट करते हैं, और बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच। म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ठीक है। एक आता है डेल ऑपरेटर, उसके अलावा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये होता क्या है, जब आप डेल को सिंगल लिखते हैं, ठीक है, डेल को क्या लिखते हैं, सिंगल लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जब आप डेल के साथ डॉट लगा देते हैं, डेल के साथ डॉट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और जब आप डेल के साथ क्रॉस लिख देते हैं, डेल के साथ क्या लिख दे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्ल। ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर से रिपीट करता हूं, ये होता है अपने पास डेल ऑपरेटर, सिंगल लिखा तो ग्रेडियंट, डॉट लगा दी तो डाइवर्जेंस, और क्रॉस प्रोडक्ट कर दी तो कर्ल बोलते हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशन को याद करने का तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इसको लिख लो भाई, मैं रफ करने वाला हूँ। ये चीजें याद रखना, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, डॉट लगाने के बाद डाइवर्जेंस, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं भाई। ये चीजें याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं रफ कर रहा हूँ भाई इनको। उसके बाद भाई अब आती है मैक्सवेल की चार इक्वेशन। जो मैक्सवेल ने पहली इक्वेशन दी थी वो थी डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाय एप्साइलन नोट, रो बाय एप्साइलन नोट। अब बात आती है रो क्या है, मेरे पास रो है फ्री चार्ज डेंसिटी। रो क्या है, फ्री फ्री चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ई क्या है वो बता चुका हूं, एप्साइलन नोट क्या है वो बता चुका हूं। उसके बाद डी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, बताना भाई, एप्साइलन नोट इनटू ई। तो क्या करो, इसको मैं आगे सोल्व करके एक तरह से और लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एप्साइलन नोट इनटू ई इक्वल टू रो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी। तो मैंने इसकी जगह रख दिया डी इक्वल टू रो। अगर ये दोनों इक्वेशन मिलती है तो ये दोनों क्या है, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाय एप्साइलन नोट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद है भाई मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। माइनस का साइन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास क्या थी, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद आती है फोर्थ इक्वेशन, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी बाय कर्ली टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने इसके अंदर जस्ट क्या किया, देखो एच की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे बी की वैल्यू क्या होती है, यहां से देखो बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट एच इक्वल टू म्यू नोट जे प्लस कर्ली डी बाई कर्ली टी। तो यहां से देखो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई, जे प्लस कर्ली डी बाई कर्ली टी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात आती है इनको याद कैसे करें, याद करने का कोई तरीका तो है नहीं, जस्ट वैसे ही बता देता हूं थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान में रहे तो। पहले तो देखो ई बी ठीक है, इसको लिख लो, ई लिखा पहले, फिर बी लिखा, फिर से ई लिख दो और फिर से बी लिख दो, ई बी ठीक है। उसके बाद डेल की, डेल डॉट के साथ, डेल डॉट के साथ इसको डाइवर्जेंस, और डेल क्रॉस के साथ, डेल क्रॉस के साथ, ठीक है। पहले क्या करना है, दोनों में डॉट के साथ लिखना है, फिर क्रॉस के साथ लिखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले क्या करना है, ई बी
ई बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। उसके बाद क्या करना है, डेल डॉट के साथ, डेल डॉट के साथ, पहले दो में डेल डॉट के साथ, लास्ट वालों में डेल क्रॉस के साथ, ठीक है। उसके बाद ये कोई सरफेस है, ठीक है, या मान के चलो ये कोई रोड है, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो, ये मेरे पास क्या है, कोई रोड है। इस रोड के इस साइड दो बंदे खड़े हैं भाई, क्या खड़े हैं, दो इंसान खड़े हैं या दो लड़के खड़े हैं, जो आपको मानना है मान सकते हो। अब मैंने इनको बोला रो में खड़े हो जाओ, किस में खड़े हो जाओ, रो में खड़े हो जाओ, तो पहले में आएगा रो बाय एप्साइलन नॉट। मैंने इनको कहा रो में खड़े हो जाओ, तो ये किस में खड़े हैं, रो में, तो रो बाय एप्साइलन नॉट। या इसको ऐसे भी याद कर लेना, आपकी मर्जी है जैसे याद करो, ये तरीका अच्छा ना लगे तो आप अपने आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। फिर देखो भाई जी, ये जस्ट याद करवाने के लिए और कुछ नहीं है। इन लड़कों ने रोड के उस साइड तीन लड़कियों को देखा, क्या किया, तीन लड़कियों को देखा, तो ये क्या करेंगे, उन लड़कियों के पास भाग के जाएंगे, बिल्कुल सीधे, यानी मुड़ेंगे नहीं। तो यहां पर जो डाइवर्जेंस है, यानी कि जो मोड़ है, वो क्या है, जीरो। तो सेकंड में डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। पहले रो में खड़े होंगे, फिर लड़कियां दिखी, सीधे उनके पास गए, डाइवर्जेंस क्या है, जीरो, तो रो फिर जीरो, ठीक है। अब थर्ड, थर्ड के लिए दिमाग में कुछ आया नहीं, कैसे याद करें, तो इसको भाई अपने तरीके से याद करें, ठीक है, माइनस का साइन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसे याद करेंगे। हाँ, एक तरीका हो सकता है, लड़के लड़कियों के पास गए, ठीक है, लड़के लड़कियों के पास गए, तो ये क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गई, लड़के लड़कियों के पास जाने के बाद चेंज हो गई, उनके दोस्त बोलते हैं लड़कियां मिलने के बाद तुम तो बदल गई। तो थर्ड इक्वेशन में ये याद रख लो कि लड़के बदल गए, बदलना मतलब रेट ऑफ चेंज किसका, बी का, कुछ भी हो सकता है यार, जस्ट मैंने दिमाग में आ गया तो बता दिया। लड़कियों के पास गए, लड़के लड़कियों के पास गए, तो लड़के क्या हो गए, बदल गए, उनके दोस्त बोलते हैं लड़कियां मिलने के बाद तुम तो बदल गए, तो इसको ऐसे कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव का साइन, ये बदल गए तो नेगेटिव का साइन, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, वो मैं भाई पिछले पार्ट में आप लोगों को याद करवा चुका, ठीक है, इसको जस्ट क्या करो, म्यू नोट आई प्लस आई डी, ठीक है, म्यू नोट आई प्लस आई डी, ये मैं आपको पिछले पार्ट में याद करवा चुका हूँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे प्लस कर्ली डी बाई कर्ली डी, ठीक है। ये थे भाई मैक्सवेल के चार इक्वेशन जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले ई बी ई बी, पहले दो के साथ डेल की डॉट प्रोडक्ट, नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट दो के साथ डेल की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसको दो में डाइवर्जेंस, दो में कर्ल। सबसे पहले लड़कों को रो में खड़ा कर दिया, ठीक है, लड़कों को रो में खड़ा कर दिया। सेकंड में लड़कों को रोड के उस साइड लड़कियां दिखी, ठीक है, तो वो सीधे उनके पास चले गए, डाइवर्जेंस नहीं आया, तो सेकंड केस में डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। लड़कों के दोस्त क्या बोलते हैं कि तुम्हें लड़कियां मिल गई, अब तुम बदल गए, हमसे बात ही नहीं करते, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये एम्पियर लॉ है जो मैं आपको पिछले पार्ट में याद करवा चुका हूँ, ठीक है। अब भाई इनका आता है डेरिवेशन, चारों इक्वेशन का, मैक्सवेल की चार इक्वेशन इन वैक्यूम, भाई कोई दिल पे मत लेना, लड़के और लड़कियां दिल पे मत लेना, जस्ट मैं आपको याद करवाने के लिए ये सब बोलता हूँ, ठीक है, ऐसे याद रह सकते हैं यार, इतनी इक्वेशन है, उनको अपने तरीके से याद करो, अपने रिलेटेड जो लाइफ में होता है उससे रिलेट करो, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता क्या है, खाली, वैक्यूम का मतलब खाली, खाली मतलब फ्री, इसको बोल सकते हैं इन अदर लैंग्वेज फ्री स्पेस। वैक्यूम मतलब कोई चीज है, मान के चलो एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी रख दिया, मतलब गिलास के अंदर पानी डाल दिया, तो क्या है, गिलास भरा हुआ है, ठीक है, अगर वो मैं पानी निकाल देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब गिलास खाली है, जो अंदर है उसका वो क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक है। उसके बाद चार इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने, अब इनका डेरिवेशन करना है वैक्यूम के अंदर, तो चलो
करते हैं स्टार्ट। पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, या आप बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब आप बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर वैक्यूम, और वैक्यूम के अंदर रो, यानी कि रो क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को फ्री चार्ज डेंसिटी, रो क्या होता है, फ्री चार्ज डेंसिटी। तो फ्री चार्ज डेंसिटी के अंदर जो फ्री चार्ज डेंसिटी होती है वैक्यूम के लिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पुट करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, पुट किया तो यहां से मिला डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो, या इसको लिख दो डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है भाई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन के बारे में, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, और बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट एच, एच क्या है, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बी की जगह वैल्यू पुट करो म्यू नोट एच इक्वल टू जीरो, म्यू नोट को उस साइड लेके जाओ, तो डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। तो फ्री स्पेस के लिए डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, यानी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, एंड डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ट्रू है। ठीक है भाई, उसके बाद आती है मेरे पास थर्ड इक्वेशन, और एक ये भी होता है जो मेरे पास म्यू होता है ना, उसकी वैल्यू वैक्यूम के अंदर म्यू नोट हो जाती है भाई। ठीक है, तो इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू नोट। इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई, लिख लो। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास कर्ल ऑफ ई, लड़के क्या हो गए, चेंज हो गए, किससे, मिलने के बाद लड़कियों से, कौन बोलती, कौन बोलते हैं ये बात, उनके दोस्त। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन। याद करने का तरीका भाई, लड़के क्या हो गए, चेंज, किससे मिलने के बाद, लड़कियों से, ऐसा कौन बोलता है, उन लड़कों के फ्रेंड्स, जब से लड़कियां मिली हमें भूल गए, तुम तो बदल गए, है ना। तो अब क्या करो, बी की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, म्यू नोट एच, और म्यू नोट, म्यू की वैल्यू किसके लिए, म्यू नोट किसके लिए होती है, ये वैक्यूम के लिए। तो बी की जगह पुट करो, कुछ नहीं है यार, ये सबसे आसान डेरिवेशन है, माइनस का साइन म्यू नोट। ठीक है, ये किसके लिए होती है इक्वेशन, वैक्यूम के लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इक्वेशन आती है भाई, फोर्थ इक्वेशन के अंदर इनमें से कोई भी इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन है, जे प्लस करली डी बाय करली डी। ठीक है, अब वैक्यूम की बात कर रहा हूं, तो म्यू क्या हो जाता है भाई मेरे पास, म्यू नोट, और एप्साइलन क्या हो जाता है, एप्साइलन नोट। तो करवाओ वैल्यू पुट, और जो करंट डेंसिटी होती है जे, क्या होता था करंट डेंसिटी, वो क्या हो जाती है, जीरो। जे क्या होती है, करंट डेंसिटी, ये पिछले डेरिवेशन में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। ठीक है, सरफेस करंट डेंसिटी जो आपने ने लिया था। ठीक है, अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करी, इसकी जगह जीरो प्लस करली डी बाई करली डी। ठीक है, एक केस और बन सकता है इसका, क्या म्यू नोट इंटू बी की, एच की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, एच होता है बी बाई म्यू नोट। ठीक है, इक्वल टू, और डी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अब म्यू नोट को उस साइड लेके जाओ, म्यू नोट एप्साइलन नोट, ये भाई यहां से न्यूमेरिकल आया था आईआईटी जैम के अंदर, जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बुक में जस्ट यहां तक दे रखा है, जे की जगह जीरो पुट कर दिया, क्योंकि जो करंट डेंसिटी होती है वो वैक्यूम के अंदर क्या होती है, जीरो। तो मेरे पास एच की वैल्यू क्या होगी, करली डी बाय करली टी। ये था वैक्यूम का केस और चार इक्वेशन। उसके बाद मैक्सवेल की चार इक्वेशन इन मैटर, वो मैं पहले से करवा चुका हूँ भाई, उस वीडियो को देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वो मैंने बहुत पहले करवा दी थी, तो अगर वो अगर अच्छी न लगे तो मैं फिर से बना दूंगा, कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, और चैनल के ऊपर नए हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
और कमेंट करके जरूर बता देना भाई वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।